और हम और मम्मी चलते हैं पार्लर और कुछ और फेशियल उसे करवा लीजिए। तो हम आ गए पार्लर से और मम्मी को लेना है चूड़ी। फर्स्ट सैलरी की पार्टी मिलने वाली है और हमने पतिदेव के लिए कुछ सामान खरीदा है, तो चलते हैं दिखाते हैं उनको। ये देखिए मैं आपके लिए लेके आई हूँ। ये क्या लाई है? इस बार ना आप दोनों बाप बेटे का अलग ट्रॉली रहेगा, ठीक है? हमारे में गीजर पे टिक कर करके मेरा सारा सामान इधर उधर कर देते हैं। तो हम लोग आ गए गाड़ी में, यहाँ पे मम्मी भी। बहुत दिन बाद हम बैठ रहे पीछे में, दोनों सास बहू आराम से। बहुत सारे लोग हो जाते हैं फिर सभी लोग। मुझे आगे बैठाना पड़ता है सबको। हाँ, मम्मी पीछे नहीं बैठती हैं और अच्छा भी लगता है, ज्यादा लोग रहते हैं फैमिली में तो हमको बहुत अच्छा लगता है सबके साथ। अगर मेरी बहू आप लोग को अच्छी लग रही है तो कमेंट करके जरूर बताना। हम सभी आ चुके हैं पार्लर और पतिदेव चले गए हैं कार पार्किंग के लिए और उनको सलून भी जाना है तो सलून जाएंगे और हम और मम्मी चलते हैं पार्लर। मम्मी को चलते में हालत खराब हो रहा है। वो तो वही रहा है, इसलिए कहते हैं आप सीढ़ियों से चढ़िए, लिफ्ट से नहीं। है कि नहीं? लिफ्ट से चलिए आप। मम्मी आ गई है पार्लर, मम्मी को कराना है फेस वैक्स। आईब्रो तो ठीक है मम्मी का, लेकिन थोड़ा सा पहचान में गलत हो गई कि इसकी सास जो है वो पतली है इसी तरह। लेकिन आप भी तो हमारी सास ही है ना। हम ना टोला पलो सामान लेके हैं। नहीं 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 नहीं, ये हमारी मौसी सास है और चचिया सास है। चचिया सास भी है, अपनी चचिया सास, अपनी मौसी सास। आज दिन में पूजा था हमारे घर में। चलिए इसी के बहाने आप थोड़ा सा बाहर भी टहल लिए। तो हम आ गए पार्लर से और मम्मी को लेना है चूड़ी, गोल्डन चूड़ी। वैसे मरून वाला लेके गए थे, गोल्डन भूल गए थे, तो अभी गोल्डन लेना है। A few moments later. लेके बाद मम्मी को यहाँ का मोमोज अच्छा लगता है, तो मैं सोचा खिला देते हैं फिर चलेंगे घर, है ना? घर में आंटी जो है, आंटी का आज फास्ट है, मैं तो घर भी लेके जाते हैं। अम्मा तो बहुत दिन खाई है ना? लेकिन उसका मन होगा वीडियो डाल दी। तो कोई बात नहीं, माँ जब भी इधर हम लोग आते हैं तो माँ के लिए लेके जाते हैं। घर ले जाएंगे ये अच्छा नहीं लगता ना कि आंटी नहीं खाएंगी, है ना? वही बात है, नहीं तो ले जाते घर। तो हमारा जो मोमोज खाने का ठिकाना है ये है, यही से हम लोग मोमोज खाते हैं। ये मिल जाएगा आपको आगे। हम भी आए हुए थे जी अपना हेयर कट के लिए, तो जिया और मम्मी तो अपना पार्लर में है और मेरा इधर अपना हेयर कट हो गया, सेव करवा लिया। सेव नहीं जी, बस कही कि दाढ़ी को अपना सेट करवा लिया और उसके बाद में इंतजार कर रहे हैं जिया और मम्मी के आने का। तो वो लोग जब तक आएंगे उससे पहले हम जाएंगे अपने एक दोस्त का पार्टी है, वहाँ पर चलेंगे। तो कौन सा दोस्त है अब भाई आपको मिलवाते हैं। तो जी जिस दोस्त की बात कर रहे थे वह दोस्त हमारे बगल में नहीं है। हमारा जो दोस्त है वो आज पार्टी देने वाला है। असल में बात क्या है जी, उनकी नई जॉब लगी है, नई और उनका जो है पहला सैलरी आया हुआ है, फर्स्ट सैलरी की पार्टी मिलने वाली है। फर्स्ट सैलरी का जो एक्साइटमेंट होता है हम भी समझ सकते हैं जी, हम लोग उस फेज से गुजरे हैं और उसी पार्टी को जो है लेने के लिए हम लोग जा रहे हैं। तो हम लोग जाने वाले हैं जी कटिहार के होटल सन सिटी और बहुत सारे पुराने दोस्त सब वहाँ पर मिलेंगे जिनसे लगता है कि कई सालों से मुलाकात नहीं हुई होगी। और हम लोग बस क्रिकेट के पार्टनर थे और क्रिकेट तक ही था, उसके बाद सभी लोग अपनी अपनी जिंदगी में चले गए थे। तो सभी से आपको मिलवाएंगे। 20 minutes later. तो सभी लोग आ गए हैं जी होटल सन सिटी पैलेस और जैसा कि आपको बताया था कि अपने कुछ दोस्तों से मिलाएंगे जिनसे बहुत पहले मुलाकात हुई और कई लोगों से जो है पहचान तक नहीं हो पा रही है, चेहरा भी याद नहीं आ रहा है क्योंकि सभी का चेहरा बदल चुका है क्योंकि देखे थे बचपन में ही क्रिकेट खेलते समय। तो एक एक करके जो है सभी से आपको मिलवाते हैं। पहले आपको मिलवाते हैं जी आज जो इस पार्टी के होस्ट है हमारा दोस्त निक्की। इसको शायद आपने कभी ब्लॉग में देखा होगा कि नहीं पता, शायद लगता है एक बार लिए है ना, नहीं लिए कभी, कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम हमारे ब्लॉग में स्वागत किया जा रहा है फूल से। हाँ, तो इनकी आई है जी फर्स्ट सैलरी, तो फर्स्ट सैलरी के उपलक्ष पर जो है हम लोग अपना पार्टी ले रहे हैं और फर्स्ट सैलरी की क्या खुशी होती है सभी लोग हम लोग समझ रहे होंगे जो भी जॉब के फील्ड में आए होंगे। यहाँ है भाई साहब जेई, कौन सा फील्ड? हमारा सिविल फील्ड है। ओके ओके, तो राहुल भाई से भी मुलाकात हुई थी जब हम लोग क्रिकेट सब खेला करते थे, अभी पढ़ाई लिखाई सब चल रहा है तो इनकी अभी तैयारी चल रही है। और भाई साहब मेरा नाम गौरव,
अच्छा गौरव हुआ आपका क्या चला पढ़ाई? ओके अभी पढ़ाई कर रहे हैं अभी हैं, अब दिखाते हैं आपको। सबसे पहले उनसे बात करवाते हैं। ये हमारे साथ अभी चलकर कहीं आ रहे थे कृष्णानंद भाई साहब, इनकी कुछ कुछ कहानी है बचपन की, वो आपसे जो है शेयर करेंगे। और लगता है इनका जो कहानी है इस पर पूरा एक ब्लॉग बन सकता है 10 मिनट का। बहुत सारा टॉपिक मिल जाएगा इंटरेस्टिंग सब। तो हमारे कृष्णानंद भाई साहब जो है यहाँ पेशे से टीचर हुए, हर्ष भाई साहब। तो अभी आप किस फील्ड में हैं? अच्छा आरसीडी फील्ड में है। तो चलिए दी, सभी से आपको इंट्रोडक्शन करवा दिया और सभी लोगों ने जो है खाने का ऑर्डर कर दिया है, बस इंतजार कर रहे हैं कि कब आ जाएगा, तो इंतजार करते हैं। कल जी रेस्टोरेंट से खाना पीना खा करके आ गए, काफी अच्छा लगा जी। सारे पुराने दोस्त सब वहाँ पर मिले, गप्पे सप्पे हुई और खूब मजे किए जी। और उसके बाद जी हम लोग वहाँ से फिर निकल के आ गए, और जब हम आए तो तब तक जो है जिया और मम्मी भी वहाँ से अपना पार्लर से आ चुके थे। उसके बाद फिर अपने घर में भी जो है सभी लोग अच्छा खासा समय बिताए। फिर उसके बाद जो है क्रियांश को सुलाने की बारी आई, तो क्रियांश को सुलाने में जो है थोड़ा सा मेहनत हर रोज लगता है, क्योंकि कम से कम आधा घंटा जरूर डांस करता है। उसके बाद जो है सवेरे उठ गए थे हम लोग, अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30 और इस समय जिया जो है अपना तैयारी कर रही है पैकिंग करने का। आज हम लोग शाम में ही निकलेंगे, लेकिन अभी तक जो है हम लोग का कुछ भी पैकिंग सब नहीं हुआ है। 3 बजे करीब निकलेंगे, तो पैकिंग करना है, तो पैकिंग करने के लिए हम लोग के पास 5 से 6 घंटे का समय है। और हमको जो प्रेस में कपड़ा दिए हुए थे वो भी उठा करके लाना होगा। एक बार हम उनको रिमाइंड नहीं कराए, क्या पता प्रेस किए भी नहीं होती, तो इसलिए एक बार सुबह सुबह जाके विजिट कर लेते हैं कि समय पर आ जाए कपड़ा, तो अच्छा रहेगा वरना दिक्कत हो जाएगी। वैसे मैंने आपके लिए कुछ खरीदा भी है, बाद में दिखाऊंगी। चलिए जी बाद में देख लेंगे, पटनी बहानी कुछ खरीद करके लाई है तो जरूर देखा जाएगा उसको। अभी बज रहे हैं 8:30 और हमने पतिदेव के लिए कुछ सामान खरीदा है, तो चलते हैं दिखाते हैं उनको। ये देखिए मैं आपके लिए लेके आई हूं। ये क्या लाई है? देखिए सही, ये तो बेडशीट आया हुआ है। वाह, बेडशीट पिलो का भरे पूरा सेट मिला हुआ है। मिला हुआ नहीं है, लिया है मैंने। ठीक है, फ्री में कोई देता है क्या? सही बात है। अरे वाह, ब्लैक जींस। तो हम जी ज्यादातर यही ब्लैक कलर का जींस ही पहना करते हैं, और मेरा जो जींस है कानपुर में छूट गया। कानपुर में छूट गया था, तो पत्नी महारानी जो है कल ये छोड़ के चले गए, तो मैंने सोचा कि यही मौका है। थैंक यू सो मच। तो हमारा जींस आ गया। अच्छा साथ में ये डेली यूज के लिए क्या है? ये भी पैंट, कार्गो स्टाइल का पैंट, अच्छा लगा। इसको पहन करके एक तो टोपी लगा करके चश्मा, एक तो चेन ऊपर से लगा के कहेंगे यो मैन। तो ये दोनों हमने लिया है ना, तो उसमें 2000 की हुई शॉपिंग। अच्छा 1700 का कुछ ये था और ये था, तो उसके बाद वो फ्री दिया है। अच्छा 2000 की शॉपिंग करने के बाद ये कुछ रुपया लिया होगा छोटा सा? 100 रुपया लेकर के ये तुमको मिल गया पूरा। बहुत बढ़िया है। तो हमने सोचा ये आपके लिए ले लेती हूँ, क्योंकि आपको तो जरूरत है और आप खरीदोगे नहीं मुझे पता है। हमने सोचा मैं ही ले लेती हूँ। चलो थैंक यू सो मच। One hour later। जो बहू है क्या बताए, एक नंबर बदमाश। मेरी एक देख रहे हो, मेहंदी लगाने के लिए सुबह सुबह मुझे इतनी परेशानी। अरे स्टैंडर्ड मत करो, एज हो गया है, आप सिविल ड्रेस में रहो। इतना ऐसा फैशन है मेरे, कितना करेगी, जितना कर पाएगी उतने में करेगी। हमारा रोने का मन हो रहा था, लेकिन फिर भी रो। रोती कहाँ आ चुका। हाँ नौटंकी वाली सास है तुम्हारी, इसलिए किसको कहेंगे अपने घर के बाद, है कि नहीं? इसलिए हम सोचे सोशल मीडिया बता देते इसके बाद। बहू मेहंदी में कुछ ऐसा लगा दो जो तुम्हारी सास देखने के साथ लगे हाँ नौटंकी करने वाली। हम जब करेंगे इसकी मजबूरी होगा ये तैयार। ठीक है, मम्मी कहती है कि हम इतना बन खन के रहते हैं और हमारी दुख नहीं रहेगी। श्री कृष्ण का कहना है कि औरत को हर हमेशा श्रृंगार करना चाहिए। ठीक गीता में दिया है, तो पूरा श्रृंगार नेचुरल में अगर लोग जाने वही असली श्रृंगार है। अंदरूनी श्रृंगार रखो, दिखावा श्रृंगार करने से क्या फायदा? इसमें दिखावा क्या बात है, आप मेंटेन करके रहोगी, चुड़ैल की तरह नहीं रहोगी। मम्मी तुम पूरा टिप टॉप में रहोगी, मैं बिल्कुल सिविल ड्रेस में रहूंगी, लेकिन देखना कितना लोग मुझे जानते हैं। हम ऐसे अपने मामा की तरह गाया कुंवर की तरह खाते पीते, क्योंकि ये उठती थी अपना ही बाल नोच लेती थी, इसको हम खाने के लिए कहते थे चलो खाने के लिए, पीछे से अपना बाल नोच को। अरे बचपन का बात छोड़ो ना, यंग का बात करो, ये बहुत पहले शैतान है इतना। 20 minutes later। क्या बोल रहा है? चॉकलेट कौन दिया लल्ला को? कौन दिया चॉकलेट? माँ तो नहीं दी है, बताओ कौन दिया? बहुत गुंडा हो गया, बहुत ज्यादा गुंडा हो गया टूटो की आंची। तो क्रियांश अभी गया हुआ था नीचे, और नीचे से आ गया ऊपर, और बहुत देर से जो है शोर मचा रहा है एक चीज के लिए, वह क्या चीज है अभी आपको दिखाते हैं। जिस चीज की मैं बात कर रहा हूँ जी वह है यह अनार।
तो अनार का जूस इसे निकाला जा रहा है, हमारा बहुत ही बेहतरीन जूसर ही है, हैंडमेड जूसर। तो देख सकते हैं इसमें किसी भी तरह का जो है मशीन का जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं, उसे जूसर जो है बहुत महंगा आएगा, 5000 तक भी आ जाता है। लेंगे तो ढंग का ही एक बार में ही लेंगे, इसलिए सोच रहे हैं कि थोड़ा आराम से ही ले। फिलहाल इससे काम चल रहा है अपना, और क्रियांश का ही बस जूस बनना है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे पत्नी उतार रहे हैं एक ट्रॉली है, इसमें से कुछ कपड़े निकाल रहे हैं, ठीक है। बाकी वो खाली ट्रॉली निकालना है जिसमें कपड़े लेके जाना है। और यहाँ पे हमारा बेटा हमारा हेल्प करते हुए, खाली है ना वो, खाली। इस बार ना आप दोनों बाप बेटे का अलग ट्रॉली रहेगा, ठीक है। हमारे मैगी सिर पे टिक करके मेरा सारा सामान इधर उधर कर देते हैं। एक खाली ट्रॉली चाहिए, खाली ट्रॉली। हाँ वो भी खाली ही है। ट्रॉली देके तो बंद किया जाए उसको।